जय हिंद दोस्तों। आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति, यानी एग्जाम दृष्टि इम्पोर्टेंट है, जो भारत के राष्ट्रपति से जो प्रश्न एग्जाम में बनता है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनका जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। यानी भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एग्जाम्पल तौर पर आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। जैसे में समवर्ती सूची है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में संशोधन है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 के तहत तो भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 यह कहता है, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। यानी समझिएगा, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो सिर्फ 5 साल के लिए। अभी अमेरिका में देखेंगे तो इनका जो कार्यकाल है वह 4 साल का ही होता है। पॉइंट को समझिएगा, जो अमेरिका में राष्ट्रपति है इनका कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष तक का होता है। और उसमें एक चीज़ और लिमिट है कि एक व्यक्ति जो है अधिकतम 2 बार से अधिक जो है राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं। यानी एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकते हैं, उसके बाद वह राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि एक व्यक्ति अनेकों बार रह सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। एक पॉइंट को यहाँ पर समझ लीजिएगा। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो सिर्फ 4 साल के लिए होता है। नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 55 के तहत होती है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 55 के तहत होती है, जिनमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इनको वोट करते हैं। पॉइंट को समझिएगा, बताए हैं इनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 55 के तहत लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाती है। एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, आपको कंफ्यूज होगा। विधानसभा का मतलब कि जो आपके गांव में विधायक होते हैं, यानी आपके जो क्षेत्र में विधायक होते हैं वही वोट करते हैं। पॉइंट को समझ लीजिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे विधायक होते हैं वो भी वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इनके शपथ कौन दिलाते हैं, तो इनके शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पॉइंट को समझिएगा, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस दिन अब्सेंट रह गए, तब इनकी कौन शपथ दिलाएंगे, तो इनकी जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वही इनको शपथ दिला देंगे। पॉइंट को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिनका कार्यकाल अभी तक देखा जाए तो सबसे अधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब तक जो है सबसे लंबा कार्यकाल जो है किस राष्ट्रपति का रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम सजीव रेड्डी है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इनके विरोध में कोई नहीं लड़ा, नीलम सजीव रेड्डी के विरोध में, तो यह क्या हो गए, निर्विरोध चुने गए। तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं कौन है, तो नीलम सजीव रेड्डी हैं। देखिए हम आपको बताएं कि जो जो एग्जाम दृष्टि इम्पोर्टेंट प्रश्न है सिर्फ हम वही करेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है। अभी देखिए यहाँ से प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट होता है, नियुक्ति जो है अनुच्छेद 55 के तहत इनकी जो निर्वाचन की जाती है वही है। यानी कि देखिए निर्वाचन जो है अनुच्छेद 55 के तहत होता है, इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है निर्वाचन वाला, ठीक है। अगला बात करते हैं, वर्तमान में जो है हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। किस नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं वह किस नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो ये बिहार के राज्यपाल थे। क्या थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति मृत्युदंड को अनुच्छेद 72 के तहत माफ कर सकता है, यानी राष्ट्रपति चाह दे तो वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत माफ कर सकता है।
राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपया होता है। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। अब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च का मतलब देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों सेनाओं का जो देख रेख है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसलिए बोला जाता है राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर इनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले भारत रत्न किस राष्ट्रपति को मिला, यानी भारत के सबसे पहले किस राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 राष्ट्रपति को मिला है। अब कौन कौन 6 है, तो देखिए पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरा प्रणब मुखर्जी, चौथा डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांचवा APJ अब्दुल कलाम और छठवां VV गिरी है। देखिए ये सीरियल वाइज नहीं लिखे हैं, इन 6 का नाम लिखे हैं। अब 6 का नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में दे सकता है इन 3 ऑप्शन दे देगा यहाँ पर और एक अदर दे देगा। प्रश्न पूछेगा कि इनमें से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न नहीं मिला है, इसलिए इन 6 का नाम आपको लिखवा दिया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।